गाइस वेलकम बैक। आज से हमारा इंडिया का ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। हमने अभी पैकिंग वगैरह कर लिया है, तो 10:50 की हमारी एयर इंडिया की फ्लाइट है। हमने अपना पैकेजिंग वगैरह खत्म कर लिया, तो चलो एयरपोर्ट में मिलते हैं। अब घर से निकल रहे हैं हम। बैगेज इज रेडी, बैगेज हमारा तैयार है। ये मेरी चाय, हमारी टैक्सी आ चुकी है। ये हमारी टैक्सी, चलो अभी लगेज थोड़ा अंदर रखते हैं। We are done with our check-in luggage. We are proceeding towards the security checkpoints. Paris Airport में morning का rush कुछ ज़्यादा नहीं है। हम expect कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा rush होगा, और हमारा check-in बहुत ज़्यादा smooth रहा। Security check की line काफ़ी बड़ी है। Security check में ये वाले documents पूछ रहे हैं। तो मैंने एक ओलिव का प्लांट लिया था, और एक दूसरा प्लांट मैंने लिया हुआ है, फ्लावर प्लांट। मैं देखना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एयरलाइन में वो फ्लावर प्लांट अलाउ करते हैं कि नहीं। हमारी सिक्योरिटी चेकआउट हो गया। अभी जो हमारे प्लेन के जो गेट्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको पूरा एक समरी बताता हूँ कि कितना टाइम लगा हमें सिक्योरिटी के लिए, और कितना टाइम लेके चलना चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम इन्होंने अभी जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी रिलैक्स किए हैं। बट स्टिल आई थिंक यू शुड कीप अ बफर ऑफ 4 hours बिफोर एम्बार्कमेंट। एम्बार्कमेंट कहीं भी हो सकती है ना। हमारी 10:50 है, और 10:20 पे एयर फ्रांस की जाती है, और 10:50 पे एयर इंडिया की जाती है। तो मैं देख रहा हूँ आज सैटरडे है, इतना ज़्यादा रश भी नहीं है। शायद लोग अभी आना स्टार्ट हुए हैं। सिक्योरिटी की लाइन काफ़ी बड़ी थी। सारे फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए खड़े हैं। अभी क्यू में शायद I have a phone. I bought it in Zimbo. Just press it so many times. You see the background? Colorful. You need to put it in here. We're going inside. Show me. Sufi, you ready? Yeah. Finally, we are going to board the plane to Delhi. Yeah, look. Yes, yes, Air India. See that. टाटा के क्वायर करने के बाद हमारी बस फ्लाइट है। गाइस, वी आर जस्ट एंट्री, सो दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट आफ्टर एक्वायरिंग टाटा। हाय, ओके, लुक्स क्लीन, आई थिंक दे हैव सैनिटाइज्ड द प्लेन सो आई कैन स्मेल सैनिटाइजर्स। How they are putting the luggage. हम जो बोल रहे थे इनकी किस बने? फिर बैठ के खाई खाना। We are flying. Let's move it a little bit. सो वी हैव जस्ट अराइव्ड। रश बिल्कुल नहीं है यहाँ पे यार। 11:10 की हमारी फ़्लाइट थी, और 11:10 पे यहाँ से पहुँचे पेरिस से, और रश देखो बिल्कुल नहीं है। हमारा जो कस्टम का चेक इन था
वीज़ा स्टैंपिंग, वो खाली 10 मिनट लगे, बिल्कुल रश नहीं था, बड़ी आसानी से उन्होंने थर्मल स्कैनिंग की जो हमें विजिबल नहीं थी, थर्मल कैमरा से उन्होंने स्कैनिंग की है। बाकी बैगेज में जा रहे हैं, बैगेज का वेट हो रहा है। वेटिंग फॉर टैक्सी फेवरेट बैग्स हैं लैंसल के बैग से भी इनकी क्वालिटी का बहुत अच्छी है, हाई डिज़ाइन की। पिछली बार लेकर गए थे 2 साल पहले, बैग को बिल्कुल कुछ नहीं आया। एक तो मेड इन इंडिया है और क्वालिटी ऑफ लेदर इज़ वेरी गुड। नई दिल्ली अगर स्टेशन पे जाना है तो 5:50 के आसपास आपके लगेंगे, तो वो अभी 4 to 5 o'clock का ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव, सो आई एम गोइंग टू बुक माई प्रीपेयर टैक्सी फ्रॉम हियर एंड दीज टैक्सी स्टैंड आर मैनेज्ड बाई द दिल्ली पुलिस। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो फेयर है गवर्नमेंट फेयर, दैट इज़ 500 रुपीज़। तो दिल्ली एयरपोर्ट से हम अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। 500 फेयर है, मेरे ख्याल से जेन्युइन है। हमारे पास जो लगेज है काफ़ी ज़्यादा है, लगेज भी इतना है, ये देखो। We are in the taxi. Okay. And where are you going? I don't know. We are going Delhi Railway Station, New Delhi Railway Station. Ah, now I get it. Yeah. A train who is Hindustan like Delhi. हाँ. Train Hindu, I mean train Delhi, train Delhi. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और वहाँ से हमारी गाड़ी है वंदे भारत 537। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली पहुँच गए। अच्छा, इस लगा उसका इशू इधर ही रहता है, गुरुग्राम नाम बदलते हैं उन्होंने, पहले गुड़गांव था इसका नाम, वैसे गुड़गांव ही बोलते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गर्म गर्म चाय हो जाए पहले। तो हमने फैसला किया कि इस बार जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसकी सवारी करेंगे। तो आज वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14 से चलती है 6 बजे। भाई साहब, दिल्ली के कुली नंबर 1 किलो कुली, कुली नंबर 1 है, 300 रुपये देगा, गाड़ी में बैठा देगा। हाँ, कुली बैठा देगा अंदर, नंबर 1 की कीमत है 300 रुपये। वहाँ पे जो लिखी है मैंने पढ़ ली है, वैसे पढ़ लिया मैंने वो। यार अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर माई ट्रेन। आई जस्ट फाउंड वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन कि जो कुलीज होते हैं, अगर 40 kg का वेट आपको उनसे उठवाना है, 20 मिनट के जो पैसे हैं दे यू हैव टू पे 100 रुपीज़। सो इफ़ यू आर कैरिंग 40 kg ऑफ वेट एंड यू हैव टू कैरी अप टू 20 मिनट्स, यू हैव टू पे 100 रुपीज़। 100 रुपये का लगेगा अगर 20 मिनट तक उनको कैरी करवाना है। अगर 20 मिनट से ज़्यादा लगता है तो एवरी 30 मिनट्स आगे वाले उनको 100-100 रुपये अलग से देना पड़ेगा। बंदरों को फ्रूटी पिलाई हमने, यार भूखे हैं बेचारे, प्यास लगी है उनको बहुत। ये देखो ऐसे कपलिंग होती है इंडिया ट्रेन में। वंदे भारत का हमारा सफ़र करने का सपना काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे कि वंदे भारत का एक ट्रैवलिंग करनी है हमें, तो इस बार हमने फ़्लाइट लेने के बजाय हमने वंदे भारत लेने के लिए सोचा था, तो हमने वंदे भारत ले रहे हैं जो सीधी वैष्णो देवी जाती है। 2 स्टॉप हैं इसके, 6 बजे निकलती है, जो अनाउंसमेंट हो रही है वो कह रही है बिल्कुल ऑन टाइम है। तो वंदे भारत का हमारा सफ़र, हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट हो रही है वैष्णो देवी के लिए। कहते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई है। लगेज हमने यहाँ पे लगा दिया, दोनों लगेज लग गया हमारा। लगेज के लिए कुछ जगह ज़्यादा नहीं है, ये पेंट्री का जो सामान है यहाँ पे लगाना पड़ता है। सामने जो वंदे भारत लगी जो वाराणसी जाती है, सेम टाइम पे निकलती है, दिल्ली से वाराणसी के लिए जल्दी निकलती है और दूसरी दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए निकलती है। जम्मू पहुंच गए हम, 18 घंटे का हमारा ट्रैवल, और ट्रैवल करने के बाद हमने जम्मू में ट्रेन ने ड्रॉप किया हमें। कहाँ है बर्फी, कहाँ है
बर्फी दो। ये सबसे अच्छी टेस्टी बर्फी है। सुपौल में एक शॉप है ठंडी हुई बोलते हैं उसको, ठंडी हुई की बर्फी है। ओ आज पहला अटैक तो मिठाई भी करने वाला हूँ। ये काजू कतली सूफी को दिखाएगा, सूफी छोड़ेगी नहीं। ये बीच में डोडा बर्फी है ना, टेस्ट करता हूँ ज्यादा तो नहीं, पर टेस्ट करता हूँ डोडा बर्फी। तो पहले मैं डोडा बर्फी तैयारी टेस्ट कर रहा हूँ। यार ये सब चीजें खाने के लिए ना इंसान तरस जाता है, वहां पे मिलती नहीं है सारी चीजें। तो मैंने कहा चलो आज तो पहलवान की है, जम्मू का एक बड़ा नामचीनी हलवाई है पहलवान की। शुगर ज्यादा मैं बता देता हूँ, शुगर कंटेंट ज्यादा है। और इसमें उसने नारियल का अंजीर नहीं डाली, और नारियल का कंटेंट ज्यादा डाला हुआ है, नारियल और शुगर, तो मुझे कोई ज़्यादा खास नहीं लगा। तो पेरिस में, पेरिस से मैं ये एक प्लांट लेकर आया था, जो लोग ये पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे क्या वहाँ से कोई प्लांट सीड्स लेके आ सकते हैं क्या। तो सीड्स लाना तो अलाउड नहीं है, कई बार आप लेके आ सकते हो लेकिन वो आप अपने रिस्क पे लेके आओगे, क्योंकि सीड्स वो सारे बाहर फेंक देते हैं। तो मैंने इस प्लांट को अच्छे से, मैं आपको बता दूँ ये प्लांट मैंने एक साल पहले ख़रीदा था पेरिस में, और लास्ट टाइम भी मैंने ट्राई किया था मैं लेके आऊँगा, तो हुआ ये कि कोविड आ गया, उस कोविड के बाद मैं इसको ले नहीं पाया। तो इस बार मैंने अपने बैग में, और आपके आपको बताऊँ अपने लैपटॉप वाले बैग में इसको डाला था मैंने। ओलिव का पेड़ बहुत अच्छे प्रोटेक्ट करके लेकर आया हूँ। मम्मी मम्मी लगवाएगी मेरी आज, मम्मी से लगवाऊँगा। लगता है इसकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा चीकनी नहीं होनी चाहिए, इसकी जो मिट्टी है ना थोड़ा सा जैसे सैंड होता है ना हमारे भाषा में कहते हैं लतरंगी, जिसमें रेता हो थोड़ा सा, और मिट्टी थोड़ी ड्राई भी रहनी चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा देर रुके ना। जो चीकनी मिट्टी होती है उसमें पानी बहुत देर रुकता है, तो वो उसके ओलिव का जो पेड़ ख़राब होता है। हाँ, और दूसरा ओलिव को धूप बहुत पसंद होती है, तो जितना उस पर अच्छी धूप पड़ेगी। तो मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी अपने आंगन में जहाँ पर पानी भी पास है और सूरज की धूप सुबह भी आएगी और शाम को भी आएगी। 20 फरवरी 2022 को ये हमने वृक्षारोपण किया, ओलिव का पेड़ लगा दिया अपने घर पे। एक लग गया, एक ओलिव का प्लांट लग गया, और एक नोवाजेट होते हैं, नोवाजेट चॉकलेट में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, एक वो वाला प्लांट लगाऊंगा पापा से, पापा का वेट कर रहा हूँ अभी आए नहीं है। तो अगर इसको आगे पीछे करना होगा तो बाद में कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया चारों दीवारों से, ताकि उसको ग्रोथ के लिए काफ़ी जगह भी मिले और धूप भी पड़े। तो चलिए इसी के साथ मैं यहीं पर रैप अप करूँगा ये वाला प्लांटेशन। थोड़ी सी सांस इसलिए फूली हुई है क्योंकि मैं बाकी काम कर रहा हूँ। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। आज का व्लॉग मैं यहीं पर रैप अप कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।